हेलो वुड बी मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो खास होने वाला है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पे। जब आप ब्रेस्ट पंप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको शॉप पे दो टाइप के ब्रेस्ट पंप दिखाते हैं, जो कि एक होता है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप और दूसरा होता है मैनुअल ब्रेस्ट पंप। और अगर आप फर्स्ट टाइम मॉमी बने होते हैं या फिर आपकी डिलीवरी पास होती है तो आपको पता नहीं होता है कि आपके लिए कौन सा ब्रेस्ट पंप अच्छा होगा, कौन सा ब्रेस्ट पंप आपके लिए आगे काम आने वाला है। क्योंकि अगर बात करें प्राइस डिफरेंस की तो मैनुअल ब्रेस्ट पंप थोड़ा सा सस्ता आता है और इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप थोड़ा सा महंगा आता है। और जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है तो कहीं ना कहीं महंगी चीज़ खरीदने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप और मैनुअल ब्रेस्ट पंप में क्या अंतर है, आपको कौन सा बाय करना चाहिए और कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, उसको कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मॉमी बनी थी मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मुझे नहीं पता था। मैंने सबसे पहले मैनुअल ब्रेस्ट पंप परचेज़ किया, उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लिया। तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने फील किया, उसके बेसिस पे मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बता पाऊँगी। ये वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं ब्रेस्ट पंप की। ब्रेस्ट पंप से आप अपना ही मिल्क एक्सप्रेस करा के अपनी बेबी को फीड करा सकते हैं। अब एक बात ये भी आती है कि ब्रेस्ट पंप क्यों यूज़ करना, क्यों डायरेक्ट नहीं पिला देना, ब्रेस्ट पंप ही क्यों यूज़ करें। इसके लिए जो मैंने अपनी डिलीवरी के बाद एक्सपीरियंस किया था, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी, मेरा बेबी लैच नहीं कर पा रहा था और मेरा सी सेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपने बेबी को अपनी गोदी में लेके फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और बेबी लैच नहीं कर पा रहा था तो भूखा रह रहा था, जिसकी वजह से वो यूरिन पास नहीं कर रहा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस मैंने सारी चीज़ें ट्राई किया, हाथ से एक्सप्रेस करने की कोशिश की ताकि मैं उसको कटोरी चम्मच से पिलाऊं, पर डिलीवरी के तुरंत बाद बॉडी आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, आप वैसे ही टायर्ड होते हैं, तो इतना नहीं रहता है कि आप एक्सप्रेस करके हाथ से अपने बेबी को फीड करा पाएँ। तो इसके लिए मेरी डॉक्टर ने मुझे एक सलाह दी थी कि आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करना शुरू करें। तो ब्रेस्ट पंप अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिल्क एक्सप्रेस होके आप अपने बेबी को फीड करा सकोगे और आपको ये गिल्ट भी नहीं रहेगा कि मैंने अपने बेबी को बाहर से मिल्क दिया या फिर अपना मिल्क नहीं दिया। अब बात करते हैं कौन सा ब्रेस्ट पंप अच्छा होता है, कौन सा आपको बाय करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने कौन सा ब्रेस्ट पंप यूज़ किया था। तो मैंने इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों ब्रेस्ट पंप यूज़ किए थे और अभी मेरा बेबी 8 मंथ्स का हो चुका है, मैं अभी तक उसको ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ। जैसे कि 6 मंथ्स के बाद आपको बेबी का सॉलिड सेमी सॉलिड तो स्टार्ट कर देना होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पंप करके ही देती हूँ और ये मैं शुरुआत से ही कर रही हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ मेरी डिलीवरी के टाइम मैंने कौन सा स्टार्टिंग में परचेस किया था। मेरी डिलीवरी के बाद मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, उसके तुरंत बाद जब मेरा बेबी आया तो मुझे उसको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कराना था। जैसे कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, मुझे बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, बेबी को अपने हाथ में लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके अलावा अगर कोई इन सब चीज़ों में भी हेल्प कर दे रहा था तो मेरा बेबी लैच नहीं कर पा रहा था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। और शुरुआत में मिल्क थोड़ा थोड़ा ही आता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, तो मुझे लग रहा था मेरी मिल्क सप्लाई भी कम है, तो मैं गिव अप करने जा रही थी। मुझे लगा कि अब मुझे अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क ही देना है, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी कि आप गिव अप मत करिए, एक बार आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करिए, अगर उससे मिल्क आपका एक्सप्रेस होता है तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज तो दूसरा सोल्यूशन है। तो मैंने ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप लिया। मैनुअल ब्रेस्ट पंप में आपको मिल्क का एक्सप्रेशन मैन्युअली करना है। सपोज ये ब्रेस्ट है, आपको अच्छे से इसमें फिट करना है और आपको ऐसे करके मिल्क एक्सप्रेस करना है। तो जो मुझे लग रहा था शुरुआत में कि मेरी बॉडी वीक थी और मुझे मिल्क एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसमें जितने बार आप इसके ऐसे प्रेस करोगे तो मिल्क एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैंने इसको यूज़ किया,
इससे ही अपने बेबी को मैं फीड कराती थी। इसमें फीडिंग बॉटल भी है, इसमें आपको सिंपल निपल लगाना है और आप डायरेक्टली अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में ये यूज़ किया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको पंप मैन्युअली करना है, तो थोड़ा सा ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था और टाइम टेकिंग हो रहा था। मेरी बॉडी ऑलरेडी वीक थी, और फिर पंप करो उसके बाद फिर बेबी को फीड कराओ, मैं और ज़्यादा परेशान हो जा रही थी। तो ये सोच के मैंने इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप पे स्विच किया कि मुझे इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लेना चाहिए, एटलीस्ट मुझे जो पंप वाला फेज है वो खुद से नहीं करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप करेगा। तो उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप परचेज किया, जो कि बेबी हब का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है। ये है बेबी हब का स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। और अगर बात करें मैनुअल की, तो ये है पिजन का मैनुअल ब्रेस्ट पंप। तो दोनों देखने में एकदम सिमिलर हैं, दोनों अगर आप देखें, दोनों का जो लुक है दोनों देखने में एकदम सिमिलर है, यूनिट भी देखने में पूरी सिमिलर लग रही है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनुअल में आपको ये जो पंप है ये मैनुअली करना है, और यही काम इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में ये मशीन कर देती है, जो कि इलेक्ट्रिक मशीन है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ। ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, इसमें एक सक्शन पाइप दी हुई है जो कि कनेक्ट होती है इस इलेक्ट्रिकल सक्शन यूनिट से, और आपको सिंपल अपना ब्रेस्ट यहाँ पे प्लेस करना है, आपके हैंड्स एकदम फ्री रहेंगे, सारा जो एक्सप्रेशन का काम है वो ये मशीन करेगी। अब ये मशीन को कैसे यूज़ करना है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। वैसे इसका कंप्लीट एक वीडियो कि इस मशीन को कैसे यूज़ करना है, इसके कौन कौन से मोड्स हैं, वो एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लीज़ उसे देखिए, ताकि आप इस मशीन को ईजिली यूज़ कर पाए। क्योंकि अगर मशीन नहीं यूज़ करना आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको एक्सप्रेस करते समय पेन भी हो। आपको यूज़ कैसे करना है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, सिंपल आपको स्ट्रेट पोजीशन पे बैठना है और अपने ब्रेस्ट को इस पर प्लेस करना है, और ऐसे प्लेस करना है कि कहीं से भी एयर पास ना हो, तभी वैक्यूम क्रिएट होगा। इसको जब आप एकदम ऐसे प्लेस कर देंगे, फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सक्शन यूनिट है इस पर पावर बटन जो है उसको आपको प्रेस करना है। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखिए ये स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें 3 मोड्स हैं, पहला सिमुलेशन मोड, दूसरा एक्सट्रैक्शन मोड, एक्सप्रेशन मोड, और तीसरा जो है वो स्पेशल मोड है, जो कि रेसिडुअल मिल्क को एक्सप्रेस करने में यूज होता है। मोटा मोटी इसमें जो मैं मोड यूज़ करती थी वो सिमुलेशन मोड और एक्सप्रेशन मोड यूज़ करती थी। और हर मोड के 9 लेवल्स होते हैं, मैं आपको 9 लेवल्स बता देती हूँ, और उन 9 लेवल्स को आप प्लस और माइनस की बटन से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये मशीन ऑन होती है तो सबसे पहले इसमें सिमुलेशन मोड होता है, यानी कि ब्रेस्ट को एक तरीके से मसाज करता है और ब्रेस्ट को रेडी करता है एक्सप्रेशन के लिए। तो मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग के 1 मिनट तक, या फिर बात कर ले लेवल्स में, तो 1, 2, 3 लेवल्स तक मैं सिमुलेशन मोड पर रहती थी। प्लस बटन से आप लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और माइनस बटन से आप लेवल्स को डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी प्लस को, मशीन को लॉन्ग प्रेस किया, ऑन हो गया, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। अब स्टार्ट जैसे होगा ये सिमुलेशन मोड पे होगा, और सिमुलेशन मोड को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगी। ये देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद मैं इसको बढ़ाऊँगी, ये 3 लिखा हुआ आएगा, ये 4। इसी तरह आप अप टू 9 लेवल तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको जब मोड चेंज करना है तो उसके लिए आपको सिंपल ही वाटर ड्रॉप का एक साइन है उस पर क्लिक करना है, और ये मोड चेंज हो जाएगा, और ऊपर भी आपको ये शो करेगा कि ये कौन सा मोड है। अब ये जो मैंने मोड लगाया है वो एक्सप्रेशन मोड है, उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लेवल 1 पे रखा है तो वो धीरे धीरे एक्सप्रेस करेगा, लेकिन आप इस प्रोसेस को चाहते हैं थोड़ा सा जल्दी हो तो आप अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे
वो उतनी जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करेगा। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि लेवल आप ग्रेजुअली बढ़ाएं, एकदम से नहीं बढ़ाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि लेवल 1 से स्टार्ट करें और सीधे 9 पे बढ़ा दिए। उससे थोड़ा पेन हो सकता है, क्योंकि मैंने ये किया था, क्योंकि जल्दी होती है कि जल्दी से ब्रेस्ट मिल्क निकले और मैं बेबी को पिलाऊं, तो ऐसा गलती ना करें। बेबी हग स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प आता है रिचार्जेबल बैटरी के साथ। आप इसको यूज़ करने के बाद अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है तो आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर होता है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप अवेलेबल हैं जिसमें कि रिचार्जेबल बैटरी नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट कॉर्ड होता है। जब आपको यूज़ करना हो तो आप डायरेक्ट कॉर्ड सॉकेट में लगाएं, आप उसको यूज़ करें। पर मैं आपको सलाह दूंगी कि आप रिचार्जेबल बैटरी वाला ही लें, क्योंकि इससे आप कहीं भी बैठ के इजीली मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कॉर्ड वाला होगा तो आपको सेम टाइम लगा के उसको चार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रिचार्जेबल बैटरी वाला ही लें। अब बात कर लेते हैं कि आप कौन सा परचेस करें, मैनुअल परचेस करें या फिर इलेक्ट्रिक परचेस करें। तो मैं स्टार्ट करूंगी कंपैरिजन प्राइस से। सबसे पहले बात करें पिजन मैनुअल ब्रेस्ट पंप के प्राइस से, तो इसका प्राइस 1000 रुपीज़ है। डिपेंड करता है ऑफर्स पे भी, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं ऑफर होगा तो वेरी कर सकता है, लेकिन इसका अप्रॉक्सीमेट 1000 प्राइस है। और स्मार्ट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप की बात करें तो ये पड़ा है मुझे आफ्टर ऑफर 3900 का। इस पे जो प्राइस मेंशन है वो 4500 है, तो अगेन ऑफर टू ऑफर डिपेंड करता है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। तो आप मैनुअल ब्रेस्ट पंप में एक्सप्रेशन की जो स्पीड है वो आप मैनुअली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि जितना आप इसको प्रेस करेंगे उतना मिल्क एक्सप्रेस करेंगे, जितनी स्पीड से आप इसको करेंगे उतनी स्पीड से मिल्क आएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें सारा जो स्पीड रेगुलेशन है वो ये मशीन करेगा। आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको बैठ जाना है और मिल्क आपका एक्सप्रेस हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है टाइम टेकिंग। कौन ज़्यादा टाइम टेकिंग है, किस में से इजीली ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस हो जाता है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ आपको मैन्युअली करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, जितने आप इसमें स्ट्रोक देंगे उतना मिल्क एक्सप्रेस होगा, और जितनी स्पीड से करेंगे उतनी स्पीड से मिल्क एक्सप्रेस होगा। इसमें आपका जो भी लेवल है वो 9 लेवल है। अगर आपको स्लोली स्लोली मिल्क एक्सप्रेस करना है तो आप इसमें लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, 9 लेवल्स तक है, स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं कि निकालना या फिर एक्सप्रेस करना कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो उसमें तो मैं, अगर मुझे पॉइंट देने की बात की जाएगी तो मैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को ज़्यादा पॉइंट दूंगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ओवरऑल कौन सा बहुत अच्छा है। मैंने दोनों ब्रेस्ट पंप को कंपेयर कर लिया है, अब डिसाइड करते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस से यूज़ करना है। जैसे मेरा पर्पस था कि बेबी लैच नहीं कर पा रहा था, मुझे फीड करने में, बेबी को उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहती थी, तो मैंने प्रेफर किया था ये। और अगर आपका बेबी लैच कर रहा है, आपका पर्पस ये है कि आप वॉकिंग हो, आप बाहर जा रहे हो, आपको दिन में सिर्फ 1 से 2 बार ही एक्सप्रेस करना है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। कि अगर आप सुबह एक्सप्रेस कर दे रहे हैं और फिर शाम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब दिन में 2 ही बार एक्सप्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा बार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस में भी कम है और एक्सप्रेशन भी इससे इजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे दिन में काफ़ी बार एक्सप्रेस करना है, जैसे मैं करती थी, मैं एक्सप्रेस करके ही अपने बेबी को फीड कराती थी। जैसे शुरुआत में न्यूबॉर्न को आपको हर 2 से 3 घंटे पे फीड कराना है, तो मैं क्या करती थी, बेबी को फीड कराने से 10 से 15 मिनट पहले ही मिल्क एक्सप्रेस कर लेती थी और बेबी को फ्रेश मिल्क फीड करती थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी मिल्क सप्लाई भी बढ़ेगी, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने बेबी को फीड करा दिया है और आप एक्सप्रेस करके मिल्क को स्टोर कर लें, तो उस केस में आप इसको परचेस करें। बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आप ब्रेस्ट पंप यूज़ करें,
यूज़ करने के तुरंत बाद आप इसके सारे पार्ट्स को स्टरलाइज ज़रूर से ज़रूर करें और इसको ऐसे खुला ना छोड़ें। जब आप यूज़ करें, इसको यूज़ करने के बाद आप इसको स्टरलाइज करें, उसके बाद इसको कॉटन से पूरा क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप इसको पैक करके तुरंत रख दें और दोबारा जब यूज़ करें तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इसके पार्ट्स कैसे खुलते हैं। बहुत इजी है सारे पार्ट्स, और अगर आपने इसको कैसे असेंबल करना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, दोनों का, पिजन मैनुअल पंप को कैसे असेंबल करना है और बेबी हग इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को कैसे असेंबल करना है, इसका वीडियो अगर आपने ना देखा तो आप ज़रूर देखें। इसके सारे पार्ट्स को यूज़ करने के बाद आप स्टरलाइज करें। ये इसका सिलिकॉन मसाज पैड है, देखिए बहुत इजी है ये खोलना, बहुत इजी है इसको रीअसेंबल करना, और ये सारे पार्ट्स आपको निकाल के इसको स्टरलाइज करना है। और ये फीडिंग बॉटल है, आप मिल्क एक्सप्रेस करने के बाद डायरेक्टली इसको इससे बेबी को फीड करा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आप बेबी की फीडिंग बॉटल और बेबी का जो आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके स्टोर कर रहे हैं वो दोनों बॉटल को मिक्स ना करें, दोनों बॉटल अलग ही रखें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और मॉमीज की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर डालती रहती हूँ।